पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड स्थित भंडार में माउंट टेरा स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा नेता अलकनाथ पांडे, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा, विद्यालय संस्थापक विनोद पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। एनुअल फंक्शन के दौरान स्कूली छात्रों ने जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं मौके पर विद्यालय के संस्थापक विनोद पांडे ने बताया कि बच्चों को शिक्षित करना ही उस देश के भविष्य को संवारना है, क्योंकि बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में बेहतर शिक्षा पाएंगे तो आगे चलकर खुद अपना रास्ता बना सकेंगे। और इसीलिए उन्होंने इंजीनियर होते हुए भी स्कूल की स्थापना की, ताकि छोटे छोटे बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न किया जा सके। का समाधान अगर लड़के परिवार से शिक्षित हो जाए तो उसी में छुपा हुआ है। अभी पढ़ाई के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है, लेकिन गढ़वा पलामू को जहाँ होना चाहिए वहाँ हम लोग खड़े नहीं। हम यह आपको बताएं कि 25 साल पहले जो साउथ इंडिया में पढ़ाई की स्थिति थी वही आज करीब कर हम लोगों के पास, हम लोग 25 साल पीछे। तो हमारा व्यक्तिगत रहता है कि आपने आप जब तक लोगों को जागरूक करिए, लोगों को शिक्षित करिए, यही कारण था कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद भी विद्यालय का संचालन। और हम ये आपको बता दें कि प्रतिभा की कोई कमी हम लोग के इलाके में नहीं है। हमारे विद्यालय से पढ़े लड़के आईएएस आईपीएस हुए हैं, कितने लड़के इंजीनियर हुए, कितने डॉक्टर्स हुए, कितने जुडिशियरी अफसर में बने, तो सिर्फ उसको सही शिक्षा देने के लिए, जो आज अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग के यहाँ अभाव है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका विस्तार हो, प्राइमरी एजुकेशन बढ़िया हो गया तो अपने आप उच्च शिक्षा बढ़िया हो जाता है। यही इस विद्यालय में आने के पीछे पर्पज भी है कि विद्यालय अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज का सपोर्ट वैसे जगह पर होना चाहिए। अच्छी आदतों का विकास कर सकें, साथ में उन लोग को पढ़ाई के साथ साथ क्रियात्मक विकास के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं, ताकि हमारे स्कूल से जो बच्चे निकले वो स्कूल का, परिवार का, हम शिक्षकों का नाम रोशन करें।